कर्नाटक की सियासत की बात करते हैं। कर्नाटक में बीजेपी और जेडीएस के बीच लोकसभा चुनावों के लिए गठबंधन हुआ है या नहीं, ये पूरी तरह से अभी तक साफ नहीं है। बीजेपी नेता येदियुरप्पा के मुताबिक सीट शेयरिंग को लेकर समझौता हो चुका है, लेकिन जेडीएस के जो प्रमुख है देवेगौड़ा, उन्होंने इससे साफ इनकार किया है। क्या खिचड़ी पक रही है, देखते हैं इस रिपोर्ट में। विधानसभा चुनावों में हार के बाद जेडीएस और बीजेपी दोनों पार्टियों के पास लोकसभा चुनावों में एक दूसरे के साथ मिलकर चुनाव लड़ने के अलावा दूसरा विकल्प फिलहाल नहीं है। सीटों को लेकर बातचीत निर्णायक दौर में है। हालांकि बीजेपी नेता बीएस येदियुरप्पा सीट शेयरिंग को लेकर फैसला होने के दावे कर रहे हैं। देवेगौड़ा जी प्रधानमंत्री से मिले और 4 सीटें उनकी पार्टी को दे दी गई। पुराने मैसूर क्षेत्र की 8 लोकसभा सीटों पर जेडीएस मजबूत दिख रही है। ज्यादा वोकलिगा वोटरों वाली इन सीटों पर जेडीएस का समर्थन बीजेपी को मजबूती देगा। ये 8 सीटें हैं चामराजनगर, मंडिया, मैसूर, तुमकुर, हासन, बेंगलुरु रूरल, कोलार और चिकबलापुर। इस बार विधानसभा चुनावों में इन सभी क्षेत्रों में कांग्रेस ने जेडीएस और बीजेपी के वोटों में सेंधमारी की। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनावों में 28 में से 26 सीटें बीजेपी ने जीती थी, तब कांग्रेस और जेडीएस ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। जेडीएस सुप्रीमो देवेगौड़ा के मुताबिक उन्होंने बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को जमीनी हालात से रूबरू करा दिया है कि बीजेपी जेडीएस को हल्के में न ले। मोदी और तेरे संपर्क, हाँ हमने मोदी जी से संपर्क किया। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जब हमसे बातचीत की इच्छा जताई तब हमने भी उनसे बात की, ये बात सच है, लेकिन मुझे ये सीट चाहिए ऐसा मैंने कुछ भी नहीं पूछा। सच बोलना जरूरी है। आप लोगों को यहाँ मौजूद मीडिया को ये पता होना चाहिए, देवेगौड़ा ये सीट मांग रहे हैं, वो सीट मांग रहे हैं, ये सब बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। देवेगौड़ा के बेटे एसडी कुमारस्वामी ने भी बीजेपी के साथ गठबंधन की बात तो की, लेकिन ये भी दोहराया कि सीट शेयरिंग को लेकर फैसला नहीं हुआ है। देवेगौड़ा उम्मीदवार है, हाल के चुनावों में जेडीएस का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है, क्योंकि देवेगौड़ा के कद का दूसरा मजबूत जनाधार वाला नेता जेडीएस में नहीं है। वहीं विधानसभा चुनावों में बीजेपी हार के बाद जमीन तलाश रही है। ऐसे में जेडीएस और बीजेपी दोनों को लगता है कि साथ में मिलकर वो बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं और इसी की कोशिश चल रही है। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। और कर्नाटक के बाद बात करते हैं आंध्र प्रदेश की, जहां के पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी के एक दिन बाद तेलुगुदेशम पार्टी के कार्यकर्ता तमाम पाबंदियों को धता बताते हुए सड़कों पर उतर आए। पार्टी के लिए ये जीने और मरने का सवाल है। चंद्रबाबू नायडू को रविवार को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। ये पूरा मामला क्या है, देखते हैं इस रिपोर्ट में। पूरे आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। रविवार को विजयवाड़ा की एसीबी कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत पर राजामुंद्री जेल भेज दिया। अब वो कैदी नंबर 7691 है। पूर्व मुख्यमंत्री पर युवाओं के कौशल विकास के लिए आए सरकारी पैसे के गबन का आरोप है। बिना कोई सबूत पेश किए बिना आप कैसे कह सकते हैं कि चंद्रबाबू नायडू ने जुर्म किया है या स्किल डेवलपमेंट के मामले में किसी भ्रष्टाचार का वो हिस्सा है? ये राजनीति में एक बदले की भावना है। लोकतांत्रिक ढंग से चंद्रबाबू नायडू का सामना नहीं कर पा रहे हैं आप लोग। मुख्यमंत्री जगन रेड्डी ने अपनी कठपुतली पुलिस विभाग की मदद से ये झूठा केस बनाया है। जमीन पर हंगामे का अंदेशा देखते हुए निषेधाज्ञा लागू की गई। वाईएसआर कांग्रेस सरकार ने कहा कि नायडू को अपनी करतूतों की सजा भुगतनी होगी। डिपार्टमेंट ने जो भी बताया है और उन्होंने जो भी जुर्म किया है, कोर्ट के सामने उसे सबूतों के साथ रखेंगे। शुरुआती जांच में कोर्ट भी इस पर विश्वास नहीं कर रही है। ये एक मजबूत केस है। चंद्रबाबू नायडू कानूनी लड़ाई की तैयारी में है। तत्कालीन वित्त सचिव पीवी रमेश ने कहा है कि ऐसा लगता है कि सीआईडी के सामने उनके बयान का गलत मतलब लगाया गया है। तत्कालीन मुख्यमंत्री और उनके विभाग ने जो कुछ किया नियमों के तहत किया।
आंध्र प्रदेश में राजनीति काफी व्यक्तिगत हो जाती है। अगर सालों तक चंद्रबाबू नायडू ने जगनमोहन रेड्डी के जेल में वक्त बिताने पर कटाक्ष किया तो अब जगनमोहन रेड्डी की बारी है। लेकिन चुनाव के कुछ ही महीने पहले चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी तेलुगु देशम के लिए एक बहुत बड़ा झटका है और उसके लिए अब ये करो या मरो की लड़ाई की शुरुआत हो सकती है। मधु, लक्ष्मण और वेणु के साथ उमा सुधीर, एनडीटीवी इंडिया के लिए। मध्य प्रदेश सरकार ने पहले सावन में 450 रुपये में गैस सिलेंडर देने की बात कही थी, अब ऐलान किया है कि पूरे साल बहनों को 450 रुपये में गैस सिलेंडर मिलेगा। बची हुई रकम सरकार भरेगी। हालांकि हितग्राहियों की शिकायत रही कि सावन में उन्हें इसका लाभ नहीं मिला। अभी भी गैस एजेंसी के जो कर्मचारी है वो असमंजस में है। राज्य में कई महिलाएं तो ऐसी भी हैं जिन्हें की 2016 में लॉन्च हुई उज्ज्वला योजना का लाभ अभी तक नहीं मिला है। आइए देखते हैं हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी की ये रिपोर्ट। सावन के महीने में 27 तारीख को मैंने कहा था कि सावन में रसोई गैस का कनेक्शन कितने रुपया में दूंगा, 450 में। और अब जो लाडली बहनाएं हैं एक योजना लेके आ रहे हैं जिनमें 450 रुपया में ही बहनों को रसोई गैस का कनेक्शन मिले, बाकी पैसे हम भरवाएंगे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के सत्ता में आने पर 500 रुपये में गैस सिलेंडर की गारंटी के जवाब में बीजेपी ने 450 रुपये में सिलेंडर देने का ऐलान कर दिया। लेकिन भोपाल के नेहरू नगर में स्थित भारत गैस और दूसरी कंपनी के वितरकों से ग्राहक झगड़ रहे हैं। वितरकों को कोई जानकारी नहीं है। अभी उसका कोई डिसाइड नहीं किया है कि कब से लागू करेंगे, कब से लाडली योजना के या नॉर्मल व्यक्ति उसके खाते में कब से पैसे जाएंगे, ऐसा कोई जानकारी अभी हम लोगों को नहीं है। तो अगर लोग आते तो क्या बोलते हैं? वो तो गवर्नमेंट की पॉलिसी, हम तो उनको बोलते हैं जब भी आएगा तो बैंक खाते में आए। सस्ती गैस नहीं मिलना एक दिक्कत है, लेकिन बड़वानी के पलसूद में खालसा नगर में दया कौर जैसे कई परिवार हैं जहां उज्ज्वला का लाभ अभी तक नहीं मिला। जब हम बाहर थे तभी चूल्हे का धुआं आ रहा था, तो हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो उज्ज्वला योजना है उसके तहत भी कोई राहत नहीं मिली है। यहाँ चूल्हा ही है इस तरह से और इसी पर जो 20 लोगों का खाना बनता होगा। आपका नाम? दया कौर। हाँ। दया जी, आप लोगों को उज्ज्वला योजना के लिए गैस सिलेंडर कभी नहीं मिला? कहीं नहीं मिला। गैस का आधार कार्ड भी नहीं बना सर, कहीं भी नहीं बना। आधार कार्ड, पहचान पत्र कहीं भी नहीं बना। क्यों नहीं बनाते हैं? क्या बनाता नहीं, गए भी पंचायत में नहीं बन रहा बोल दिया। अच्छा, हाँ। तो 20 लोगों का खाना चूल्हे में बनाने में बहुत, हाँ, 20, हाँ, दिक्कत आती है। लकड़ी भी नहीं मिलती बारिश के दिन में। लकड़ी बेले से बनाते, कोई पन्नी का अगर ढाढ़ा के बनाते हैं सर, ऐसी मुसीबत है। लकड़ी नहीं मिली तो भूखे सो, हाँ, भूखे सो ऐसे आम को, तो लकड़ी नहीं मिली ऐसे। इनका तो कोई मकान नहीं है ना कहीं। गिला की चढ़ी इसमें रह रहे हैं। अपने भाइयों के लिए मकान बांधो। मकान चाहिए आपको? हाँ, मकान चाहिए मेरे को। अच्छा, मकान बांधो। सीताराम के लिए मकान बांधो, दोते पोते नाते सभी मेरे। मकान चाहिए? हाँ, मकान चाहिए। और उज्ज्वला में सिलेंडर गैस नहीं चाहिए? हाँ, उज्ज्वला योजना में जो गैस सिलेंडर मिलता है वो नहीं चाहिए? नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला। लकड़ी जी, लकड़ी पन्नी चुन के लाती है गाँव में। ये लड़के देख लो ना, वो चूल्हा दिखेगा अपने, कोई गैस नहीं। गैस सिलेंडर अब 908 रुपए में मिल रहा है, लेकिन उज्ज्वला के हितग्राहियों के लिए अभी भी बहुत महंगा है। सूचना के अधिकार के तहत मिली जानकारी बताती है कि पिछले साल उज्ज्वला योजना के 1,18,00,000 हितग्राहियों ने एक भी सिलेंडर रिफिल नहीं करवाया, जबकि लगभग 1.5 करोड़ हितग्राहियों ने केवल एक बार सिलेंडर भरवाया था। मध्य प्रदेश में 1,87,00,000 गैस कनेक्शन हैं, जिसमें से 82,00,000 कनेक्शन उज्ज्वला के हैं। लेकिन फायदा मिलने में दिक्कत यह है कि ये कनेक्शन या तो पति के नाम पर है या किसी और के नाम पर। जिन महिलाओं के नाम पर कनेक्शन है वो लाडली बहने हैं या नहीं, इसकी पहचान एक चुनौती है। खाद्य विभाग तेल कंपनियों से डेटा मिलने का इंतजार कर रहा है, लेकिन तेल कंपनियों को भी ये नहीं पता कि लाडली बहनें कौन हैं। उज्ज्वला में फिलहाल हर महीने राज्य में 60 करोड़ रुपए की सब्सिडी जाती है। लाडली बहनों के जुड़ने से 20 से 25 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ आएगा। कुल मिलाकर ऐलान की फाइल मंत्रालय से निकल चुकी है, लेकिन हितग्राहियों के घरों तक पहुंचने में वक्त लग रहा है। बगैर गैस के चूल्हा तो नहीं, लेकिन ग्राहकों का गुस्सा जरूर सुलग रहा है। लाडली बहनाओं को अब 1,250 रुपए प्रति महीने
गैस सिलेंडर 450 रुपये में पूरे साल गरीब बहनों के लिए। माना जा रहा है कि ये सब महिला हितग्राहियों के वोट को अपने पाले में लाने के लिए किया जा रहा है, लेकिन कई महिला हितग्राही भी ये कहने लगी हैं फ़ायदा तभी मिलेगा जब सरकार से उन्हें फ़ायदा मिलेगा। भोपाल से अपने कैमरा सहयोगी रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। महाराष्ट्र की सियासत की बात करते हैं। एनसीपी में टूट के बाद से अभी तक ये साफ नहीं था कि किसके साथ कितने विधायक हैं, लेकिन अब शरद पवार गुट की अयोग्यता वाली याचिका से ये साफ हुआ है कि अजीत पवार खेमे में 41 विधायक और शरद पवार के खेमे में 11 विधायक हैं। शरद पवार गुट ने विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर के पास एक याचिका डाली जिसमें एनसीपी के 41 विधायकों के खिलाफ अयोग्यता का ये मामला उन्होंने दाखिल किया इस याचिका के तहत। अब मुंबई में हमारे सहयोगी रौनक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधा अब उन्हीं का रुख करते हैं। रौनक, करीब 2 महीने बाद जाकर पहली बार कह सकते हैं अब स्थिति साफ हुई है कि किसके पास कितने विधायक है, अभी तक कुछ साफ या स्पष्ट नहीं था। रौनक, आप अपने को अनम्यूट कर दीजिए। जी, अब आप सुन पा रहे हैं? जी सुन पा रहे हैं, बताएं। जी जी, देखिए निश्चित तौर पर देखिए 2 महीने का वक्त हो गया है जब अजीत पवार ने, एकनाथ शिंदे सरकार में अजीत पवार शामिल हुए हैं, उस वक्त 9 मंत्रियों ने सरकार में शपथ ली थी, लेकिन उसके उस वक्त के बाद से ही लगातार इस बात का ये कयास लगाए जा रहे थे कि अजीत पवार जो दावा कर रहे हैं कि उनके पास 40 से ज्यादा विधायकों का समर्थन है, हालांकि वो ऑन पेपर इस बात का कभी जो है उन्होंने कोई दस्तावेज ना मीडिया के सामने या ना लोगों के सामने रख पाए। शरद पवार की तरफ से जब लगातार मीटिंग्स का दौर चल रहा था तो कुछ विधायक जो अजीत पवार के खेमे में दिखाई देते थे वो कभी शरद पवार से मुलाकात करने पहुंच जाते थे, तो पूरी कंफ्यूजन की स्थिति लगातार 2 महीने तक जो है वो देखने को मिल रही थी। लेकिन कल जब शरद पवार खेमे की तरफ से राहुल नार्वेकर जो विधानसभा के स्पीकर है उनके पास अयोग्यता की एक डिस्क्वालिफिकेशन की पिटिशन जो है 41 विधायकों के खिलाफ दायर की गई, जिससे ये लगभग अब साफ होता है कि अजीत पवार खेमे के पास जो 41 विधायक है उनके खिलाफ अब शरद पवार खेमे ने मोर्चा खोल दिया है और उन्हें अयोग्यता घोषित किया जाए उसको लेकर जल्द सुनवाई राहुल नार्वेकर जो विधानसभा स्पीकर है वो करे, इसको लेकर उन्होंने पिटिशन दाखिल की है। अब सवाल ये है कि क्या शरद पवार कमजोर हो गए, क्या अजीत पवार के सामने शरद पवार ने हथियार डाल दिए, ये भी सवाल जो है महाराष्ट्र की सियासत में इसको लेकर अब कहीं ना कहीं शुरू हो गया और इसको लेकर भी चर्चाएं जो है वो सियासी गलियारों में होने लगी है। और साथ ही रौनक ये बताएं, अब 41 वर्सेस 11, ऐसे में शरद पवार के सामने अब पार्टी का जो सिंबल है उसका जो नाम है अपने साथ रख पाना भी एक चुनौती हो सकती है आने वाले वक्त में। ये देखिए निश्चित तौर पर शरद पवार के सामने दोहरी चुनौती हो सकती है, न केवल विधायकों तो उनके पास से खिसक ही गए लेकिन जो चुनाव आयोग में भी अजीत पवार की तरफ से पिटीशन दायर की गई है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्हें पार्टी के नेताओं ने चुन लिया है, इतना ही नहीं तो लेजिस्लेटिव काउंसिल भी उनके साथ है और जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के कई सदस्य है वो भी अजीत पवार खेमे के साथ है, तो चुनाव आयोग में भी अजीत पवार का पलड़ा जो है थोड़ा सा भारी नजर आ रहा है। सवाल ये है कि चुनाव आयोग इस पर सुनवाई कर क्या कुछ फैसला करता है, इस और सभी की निगाहें जो है वो टिकी हुई है। जी रौनक, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे अपडेट के लिए। तो अभी तक जो डावाडोल स्थिति और स्पष्टता नहीं थी कि किसके पास कितने विधायक, अब जो याचिका डिस्क्वालिफिकेशन की दाखिल की गई है शरद पवार गुट के द्वारा विधानसभा के स्पीकर के सामने, ऐसे में स्थिति साफ हुई है कहीं ना कहीं मोटे तौर पर कि 41 विधायक जो है अजीत पवार गुट के साथ है, 11 विधायक शरद पवार गुट के साथ। अब महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर जो सियासत हो रही है उसकी भी बात कर लेते हैं। आरक्षण को लेकर जारी आंदोलन के बीच कल सरकार की सर्वदलीय एक बैठक हुई जिसमें सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव पास किया गया कि आंदोलन पर बैठे मनोज जरांगे पाटिल अपना आंदोलन खत्म करें। बैठक के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि सरकार मराठा आरक्षण की उनकी मांगों पर लगातार काम कर रही है, ऐसे में मनोज जरांगे को आंदोलन खत्म करना चाहिए।
सरकार इस मामले पर रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में बनाई कमेटी में आंदोलनकारियों के प्रतिनिधियों को भी शामिल करने पर तैयार हो गई है। इसके अलावा प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज मामले भी वापस लिए जाएंगे। बैठक में किसी दूसरे समाज का आरक्षण कम किए बिना मराठा समाज को आरक्षण देने पर चर्चा हुई है। सुनते हैं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इस पूरे मसले पर क्या कह रहे हैं। उन्होंने की है, हम सब लोगों ने की है कि उसे मान्य करे और ये अनशन स्थगित करे। और उनकी जो मांग थी कि जो लोग जिनके ऊपर गुनेह दाखिल हुए हैं वो पीछे लिए जाए, तो सरकार ने निर्णय लिया है जितने भी गुनेह दाखिल किए हैं वो पीछे लिए जाएंगे, उसके आदेश दिए गए हैं। और इस निर्णय में, एक सभा में, मीटिंग में मराठा समाज को आरक्षण देने में सब लोगों का एकमत हुआ है।